हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ मतलब आप लोग सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। और आज का सफ़र दोस्तों सुकरताल का है। आज का टूर सुकरताल सिटी का है, देख सकते हैं आप दोस्तों। ये है सुकरताल और हम आपको घुमाएंगे आज पूरा सुकरताल। ये देखिए भाई साहब, चलते चलते ऑटो से उतर गए और गिरने वाले थे, बस चलो खैर बच गए। तो दोस्तों ये है सुकरताल सिटी, देख सकते हैं आप, तीर्थ नगरी है दोस्तों ये। और ये देखिए, ये यहाँ पे एक जैसे आप एंट्री करते हैं, ये एक तरीके से एक पूरा गेट है और इसकी एक तरफ है गंगा घाट और एक तरफ है सुखदेव आश्रम। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं और यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए नक्षत्र वाटिका राइट साइड और गंगा घाट लेफ्ट साइड। तो यहाँ से हम सीधे गंगा घाट की ओर जा रहे हैं सबसे पहले। तो देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा, ये राइट साइड में हमारी गंगा बह रही है। ये दोस्तों गंगा की एक शाखा है, मैं आपको बता दूँ, मेन गंगा यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर आगे है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल शांत वातावरण है, एकदम बहुत ही शांत है गंगा। ऋषिकेश हरिद्वार की तरह एकदम तलमलाती भयंकर वाला रुद्र रूप नहीं है इसका, एकदम यहाँ पे शांत बह रही है बिल्कुल। तो मेन गंगा आगे है दोस्तों 3-4 किलोमीटर सुकरताल से, और सुकरताल में ही है वैसे तो वो, लेकिन यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे है और बंदरों का आतंक भयंकर। तो दोस्तों आज मैं और मेरा दोस्त अजय दोनों सुकरताल घूमने आए हैं। यहाँ पे हम आए थे किसी कारण से, तो सोचा चलो सुकरताल भी घूम लेते हैं और अपने दोस्तों को भी घुमा देते हैं, सभी YouTube फैमिली को। तो देखिए ये है अजय मेरा फ्रेंड, और देख सकते हैं आप दोस्तों ये गंगा घाट है, श्रद्धालु लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। और चलिए यहाँ से हम सीधे चलते हैं कारगिल स्मारक। तो देखिए ये दोस्तों शहीद कारगिल स्मारक, देख सकते हैं आप, बंद नहीं, खुला है। तो चलिए यहाँ से हम अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। तो देखिए इसका भी अच्छा बड़ा खासा बड़ा परिसर है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे शहीद आजम शहीद भगत सिंह की, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों यहाँ पे एक शहीद स्मारक बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप, अंदर भी यहाँ पे स्टेचू टाइप के हैं शहीदों के हमारे। तो देख सकते हैं आप, ये है पूरा शहीद कारगिल शहीद स्मारक सुकरताल में है दोस्तों। ये देखिए इधर है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हैं परम पूजनीय स्वामी कल्याण देव जी महाराज की स्टेचू, देख सकते हैं आप दोस्तों। और यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है पूरी समिति का जिसने ये बनवाया है, तो बहुत ही अच्छा बढ़िया बनाया है दोस्तों, गजब का। और ये देखिए यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाहर भी लगी है एक फ़ोटो, और ये अंदर भी है दोस्तों। तो देखिए बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है, और अंदर का ना लॉक लगा हुआ है, अंदर जाना मना है शायद, तो हम बाहर से ही बस वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। ये देखिए कितना सुंदर पार्क, और यहाँ पे ओह बंदर, बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है भाई। जब भी आप कभी सुकरताल आओ तो संभल के आना, अपने हाथों में सामान मत रखना, तो क्योंकि बंदर झपट्टा मार लेते हैं, छीन लेते हैं सामान को। और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं सीधे नक्षत्र वाटिका दोस्तों। आप कभी भी दोस्तों सुकरताल आना चाहो तो ये पड़ता है दिल्ली हरिद्वार के बीच में पड़ता है दोस्तों, बीचों बीच तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बीच में पड़ता है। दिल्ली से ये 150 किलोमीटर दूर है और हरिद्वार से ये लगभग 80 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों सबसे बेस्ट जो रूट है इसका आने का, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं और हरिद्वार जा रहे हैं, मेरठ मुजफ्फरनगर होते हैं, तो मुजफ्फरनगर बाईपास से सीधे आप आ सकते हैं। यहाँ पे 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है मात्र, और यहाँ पे आप आ सकते हैं 1 घंटे में। तो देखिए ये देखिए, ये है दोस्तों हनुमान जी की सबसे ऊँची मूर्ति, 101 फिट ऊँची मूर्ति है दोस्तों यहाँ पर। और हम पहुँच चुके हैं नक्षत्र वाटिका, ये देखिए हनुमत धाम नक्षत्र वाटिका शुक्र तीर्थ। तो चलिए अंदर एंट्री करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या नज़ारे हैं, वाह वाह। और सबसे पहले स्वागत में देखिए हमारे कौन खड़े हैं और अजय सबसे पहले बाहर निकल रहा है बालों को बनाते हुए अपने। चलो भाई इशारा कर दिया अजय ने, तो अंदर एंट्री करते हैं। ये देखिए सबसे पहले शेर बैठे हुए हैं दोनों साइड, और स्वागत में खड़े हैं दो पहरेदार, और आगे फिर दो स्टेचू फीमेल की स्वागत में खड़ी हुई है। बहुत ही बढ़िया बनाया है यार, बहुत ही बढ़िया। आप यहाँ पे बैठिए, बहुत ही शांत वातावरण है बिल्कुल,
और दोस्तों आप ये देखिए यहाँ पे ना बोर्ड लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो बोर्ड लगे हुए हैं ना ये आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे ना पेड़ लगे हुए हैं, उनके नीचे बोर्ड लगे हुए हैं कि ये किस चीज़ का पेड़ है, किस राशि का है, मतलब उस पेड़ की पूरी डिटेल लगी हुई है, लिखी हुई है मतलब। तो ये देखिए नज़ारा, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे ये पीपल का पेड़ है तो इसका पूरा लिखा हुआ है डाटा कि ये किस चीज़ का पेड़ है, किस किस काम में आता है और देवता कौन है, ये सब चीज़ें ना ऐसे। यहाँ पे ना अनमोल पेड़ लगे हुए हैं, मतलब जो बहुत कम मिलते हैं, इस तरीके के पेड़ भी लगे हुए हैं, मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ भी देखा है बहुत सके कि ये बहुत कम पाया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे शिव की मूर्ति है, बहुत ही अमेजिंग मस्त व्यू दे रही है और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है दोस्तों, अल्टीमेट। तो दोस्तों शुक्रताल आने के लिए मुजफ्फरनगर सबसे बेस्ट रास्ता है, मुजफ्फरनगर के अगर आप आसपास है आप ज़रूर विजिट करना एक बार मेरे कहने से शुक्रताल में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 25 किलोमीटर की दूरी है, आप अपने वाहन से है तो आप समझ सकते हैं 25 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में आप तय कर सकते हैं, मैक्सिमम एक घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, और आप शुक्रताल आइए 2-3 घंटे में आप यहाँ पर घूम जाएंगे। तो देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, कल्प वर्क्स है दोस्तों, यहाँ पर कल्प पेड़ है, कल्प का पेड़, तो यह मतलब बहुत ही कम पाया जाता है ऐसा लिखा हुआ है, तो दर्शन कीजिए आप भी। ये देखिए ये छोटे वाला जो पेड़ है ना, ये यहाँ पे कल्प वृक्ष का पेड़ है आई थिंक, ऐसा मुझे लग रहा है, मैं पक्का श्योर नहीं हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ऋषि मुनि अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए, और ये देखिए ये तो बस फोटो खींचने में मग्न है। और यहाँ पे ना दोस्तों ये बंदर कूद रहा है, बंदर का बच्चा देख रहे हो ना, वो ऐसे लेट गया, देखो देखते ही ना मुझे लगा शायद मगरमच्छ है यहाँ पे इतनी तेज़ आवाज़ हो रही थी ना इसकी, और बहुत ही भयंकर ऊपर से नीचे कूद रहा है ऐसे पानी में, मैंने कहा पता नहीं क्या है। और ये देखिए एलिफेंट, हाथी भाई, हाथी का स्टेचू तो एकदम ऐसा लग रहा है ना जैसे सच में ही हाथी खड़ा हुआ है, सच्ची वच्ची का हाथी खड़ा हुआ है, देखो बढ़िया नज़ारा, और सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं, कपल्स लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये अजय को तो बस फोटो खींचने की पड़ी हुई है, ये देखो भाई गजब। चलो आप यहाँ से बाहर निकलते हैं, और यहाँ से हम सीधे आ गए हैं दोस्तों सुखदेव आश्रम के रास्ते में, तो हम सुखदेव आश्रम जा रहे हैं दोस्तों अभी, जहाँ पे अक्षय वट वृक्ष है, तो आपको पता ही होगा उसके बारे में, नहीं पता तो मैं चलते चलते आपको थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ उसके बारे में भी। यहाँ की मान्यता है दोस्तों कि इस पवित्र स्थान पर ना सुखदेव महाराज जी ने अर्जुन के पोते यानी के परीक्षित को, राजा परीक्षित को, और 80,000 जो उनके ऋषि मुनि थे वहाँ पे, उनको भगवत गीता सुनाई थी। तो आज से 5100 साल पहले यानी कि 5000 साल पहले उनको भगवत गीता का पाठ सुनाया था, तो वो उसकी वजह से ना वो पेड़ भी जिसके पेड़ के नीचे सुनाया था वो भी मतलब एक तरीके से अमर हो गया है। तो देखिए ये है सुखदेव आश्रम का गेट, आप कभी भी आओ तो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, और बहुत ही भयंकर वाली चढ़ाई है, क्योंकि ये ना दोस्तों पूरी चट्टान पे बना हुआ है, एक पहाड़ की पहाड़ी मतलब पहाड़ है जो उसकी चोटी पे बना हुआ है एक तरीके से, और यहाँ पे वो अक्षय वट वृक्ष है, और उसकी शाखा है ना दोस्तों 150 फीट ऊंची है, आप समझ सकते हैं 150 फीट ऊंची। और दोस्तों उसको बताया जाता है कि उसका ना पतझड़ में भी पत्ता नहीं गिरता है, अब आप सोचिए कितना मतलब भयंकर विशाल पेड़ है। तो चलो वहीं पे पहुंच के देखते हैं, मैंने भी नहीं देखा है आज से पहले, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं शुक्रताल में। तो देखिए यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं दोस्तों, गुजरात MP गाड़ियों के नंबर लगे हुए हैं, और चलो हमने गाड़ी कर दी अपनी, बाइक कर दी है पार्क, और अब ऊपर चलते हैं स्लीपर निकाल के। तो देखिए दोस्तों ये ऊपर का नज़ारा है, ऊपर जाने का रास्ता, और ये देखिए भगवत पीठ, ऐतिहासिक भगवत पीठ, और ऊपर जो आप देख रहे हैं ना ये है जो अक्षय वट वृक्ष के बारे में मैं बता रहा था दोस्तों। तो बहुत ही भयंकर बहुत ही बड़ा ऊंचा पेड़ है दोस्तों, भयंकर से मतलब ये मत समझना कि डरावना है, वो मेरे बोलने में आ जाता है कभी कभी। तो देखिए बहुत ही अद्भुत पेड़ है दोस्तों, और नज़ारा देखो भाई आप यहाँ से नज़ारा, वाह, यहाँ से आपको पूरा शुक्रताल दिखाई देगा, पूरा शुक्रताल दिख रहा है दोस्तों यहाँ से ना, और गंगा जी जो बह रही है वो भी दिख रही है, और सामने जो आप देख रहे हो ना ये है हनुमान जी का स्टेचू जो मैं बता रहा था आपको, 101 फीट ऊंचाई वाला स्टेचू है दोस्तों, और वो भी देखो कितना नीचे दिखाई दे रहा है, मतलब हम उसके भी ऊपर है, आप समझ सकते हैं कि कितनी हाइट पे बना हुआ है ये स्थान, जहाँ पे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवत गीता सुनाई थी वो स्थान यही है दोस्तों, और वो अमर हो चुके हैं यहाँ पे, मतलब एक तरीके से ना ये स्थान पूरा अमर हो चुका है, और उनकी वजह से ये पेड़ भी हमारे, ये देखिए ये पेड़ ना भाई कितना विशाल पेड़ है आप समझ सकते हैं, और इसकी शाखा देखो आप, ये देखो बंदर तो भाई बहुत ज़्यादा है, संभल के चलना यहाँ पे आप, साथ में सामान वगैरह कुछ मत रखना,
और देखिए पेड़ों की शाखाएं देखो कैसे फैली हुई है। और वो दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है ना यहाँ पे कि जो ये चट्टान है ना इसके नीचे से इसके चारों तरफ से भी इसके किनारे से शाखाएं निकली हुई है इस पेड़ की, तो उसको हम देख तो नहीं सकते क्योंकि उसके लिए तो नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा भी बताया गया था दोस्तों यहाँ पे कि इसके पत्ते नहीं गिरते हैं लेकिन पत्ते तो पड़े हुए हैं। अब ये नहीं पता इस पेड़ के हैं या दूसरा भी एक पेड़ है यहाँ पे, तो शायद उसके भी। देखिए कितना विशाल पेड़ है दोस्तों। और यहाँ पे शुद्ध देसी घी के प्रसाद में लड्डू भी मिलते हैं, आप चढ़ा सकते हैं उनको। तो इस पेड़ में ना दोस्तों गणेश जी की मूर्ति भी बताई जाती है कि ये गणेश जी के आकार की, मतलब ऐसा लगता प्रतीक होता है कि जैसे गणेश की मूर्ति है वो गणेश जी है और एक गाय की मूर्ति भी है, ऐसा दिखाई देता है दोस्तों जैसे वो गाय है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अगर वो मुझे दिखाई देती है कहीं। देखो वो देखो ऊपर ना आपने देखी होगी गणेश जी की मूर्ति ऐसे दिखाई देती है कि जैसे गणेश जी है। तो ये देखो शाखाएं भाई, देख के ना इसको तो लग रहा है कि वाकई ये पेड़ जन्मों जन्मांतर का है। तो बहुत ही बड़ा पेड़ है दोस्तों, बहुत ही बड़ा पेड़ है आप देख सकते हैं। तो देखिए पेड़ देखिए बहुत ही ज़्यादा अद्भुत पेड़ है दोस्तों। और ये गवाह भी बन चुका है, जो सुखदेव जी ने भगवद गीता सुनाई थी उसकी उस चीज़ का गवाह है ये पेड़, क्योंकि इसी के नीचे सुनाई थी दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पे श्रद्धालु लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, ज़्यादा भी नहीं है मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। कोरोना चल रहा है कि तो उसकी वजह से थोड़ा कम ही लोग आते हैं। और सूरज देखो कैसे चिलमिलाते हुए दिख रहा है। और ये दोस्तों यही मंदिर जो देख रहे हैं ना ये यहाँ पे, ये पहले तो मैं इसको दिखा देता हूँ, ये हनुमान जी का मंदिर। और दोस्तों ये है मंदिर, इसके अंदर बैठे हैं सुखदेव महाराज जी, जो अपने जो ऋषि मुनि थे और राजा परीक्षित थे उनको कथा सुना रहे हैं, वो सब उनके स्टेचू लगे हुए हैं अंदर। और ये है शिव मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे देवताओं के मंदिर भी हैं, तो जैसे कि शिव मंदिर भी है, देवी माँ का मंदिर भी है, इस तरीके से बहुत सारे मंदिर हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और आसपास में रहते हो तो ज़रूर विजिट करना दोस्तों। और अगर आसपास से निकल भी रहे हो दिल्ली हरिद्वार जाने के लिए, ऋषिकेश जाने के लिए, तो एक बार ज़रूर आना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक घंटे का रास्ता है मुजफ्फरनगर बाईपास से NH 58 से आ सकते। और हमारी बाइक हो गई स्टार्ट और करते हैं घर की ओर प्रस्थान। तो अब घर के लिए निकलते हैं दोस्तों यहाँ से, ये देखिए नज़ारा देखिए आप। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।